हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करें और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कीजिए। बी पार्ट में पॉइंट क्या गिवन है, अब 3 - 2 - 1 प्लेन गिवन है, 2x - y + 2z + 3 = 0। डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे ax1 + by1 + cz - d / √a² + b² + c² और जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 सॉरी पॉइंट x1 y1 z1, तो x1 is 3 y1 is -2 z1 is 1। और इस प्लेन का गिवन प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो A is 2 एंड B is -1 C is 2। ओके, एक चीज़ यह ध्यान दीजिएगा, ये D जो है वो राइट हैंड साइड में है और ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ पे है, LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। जिसे आप कन्वर्ट कीजिए, 2x - y + 2z = -3, देन D is -3। क्लियर? अब हमारा काम क्या है, ये वैल्यू फाइंड करना, √a² + b² + c² √a² मीन्स 2² - 1² + 2² इक्वल टू 2² = 4 + 1 + 4 दैट इज 9 इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया, मीन्स √ यहाँ क्या आएगा 3। एंड न्यूमरेटर में a × x1 मीन्स 2 × 3, b × y1 -1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2, cz1 2 × 1 और d is -3। क्लियर? नाउ सिंप्लीफाई इट, 2 × 3 = 6, -1 - 2 + 2 + 2 एंड +3 ÷ 3। ठीक है, 6 + 2 = 8 + 2 = 4 + 3 = 13 / 3 mod, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, देन वी गेट 13 / 3 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, ये भी सिंपल था, प्लीज चेक द आंसर, 13 / 3 यूनिट्स। ठीक है, तो कोई यार डाउट हो तो पूछिए और से आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।